अब जानते हैं कि मंदिर में रखे जल का क्या करना चाहिए। जल जीवन देता है और हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी पूजा करने के समय शुद्ध जल का बहुत महत्व बताया है। पूजा करने से पहले जल को हथेली पर रखकर शुद्धिकरण मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे आप में मन की शुद्धता आएगी। पूजा के विभिन्न चरणों में भी आपको इस जल की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कुछ अन्य मंत्रों के विनियोग के समय, भोग लगाने के लिए इत्यादि। पूजा के बाद आप इस जल को अपने घर पर लगे पौधों में प्रवाहित कर सकते हैं। याद रखें कि इस जल को आप किसी नाली या वॉश बेसिन में न डालें, क्योंकि यह गंदा पानी नहीं है और ऐसा करना भगवान का एवं पूजा पद्धति का अपमान होगा। हमें पूजा से जुड़ी मर्यादाओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में रात भर एक लोटा जल भर के रखें और सुबह उस जल को अपने घर के हर कोने में छिड़क दें। इससे आपके घर में हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जमकर शेयर करें। धन्यवाद।